अभी मैं चेन्नई एयरपोर्ट पे हूँ और हम मिनी स्विट्ज़रलैंड इंडिया का है जो कि कश्मीर है, सो हम अभी उधर जा रहे हैं। देखिए मैं आपको चेन्नई एयरपोर्ट का व्यू बताता हूँ, बहुत क्राउडेड है। अगर आप चेन्नई एयरपोर्ट में आ रहे हैं ना तो मेन डिपार्चर है ना जो कि फर्स्ट फ्लोर में है वो नहीं लेना है, आप मेट्रो यूज़ कीजिए और मेट्रो यूज़ करके आएगा ना तो बहुत इजी हो जाता है और जो चेकिंग होता है ना उधर क्राउड भी नहीं होता है, आप इजीली चेकिंग आपका काम हो जाता है और इजीली आप अंदर आ सकते हैं। नहीं तो फिर आप मेन डिपार्चर पे आते हैं तो बहुत क्राउड होता है और आपको वेट करना पड़ता है। सो अभी चेन्नई एयरपोर्ट पे है हम, अभी इधर से दिल्ली का फ्लाइट है अराउंड, कब है फ्लाइट है? 8:50 को है, 8:15 है। तो अभी हम चेक इन के लिए वेट कर रहे हैं इधर। हम जाते हैं तो कभी भी वन वीक के लिए जाते हैं तो दो लगेज या तीन लगेज होता है, इस बार ज़्यादा लगेज हो गया है, बहुत मुश्किल हो रहा है। और कश्मीर पे विंटर भी बहुत ज़्यादा है, सो उसके हिसाब से हमने एडिशनल जर्किन सब वगैरह वगैरह हैंग सब लिया है। मैं आपको एयरपोर्ट का शेयर कराता हूँ, आप देख के एयरपोर्ट देखिए। ये हमारा गेट है, इसी से हम एग्जिट करेंगे, अभी थोड़ी दूर में करेंगे। देखिए क्राउड, देखिए कितना क्राउड है अभी इधर। हमने तो इस बार पैकिंग भी बहुत हरी भरी में किया है, पैकिंग पूरा किया ही नहीं है, बस जो भी है उठा के डाल दिया, हरी भरी में नहीं दिया इसको। और कल सुबह अराउंड 6:50 को हमारा दिल्ली से कश्मीर का फ्लाइट है, सो कल सुबह हम कश्मीर पहुंच जाएंगे। कश्मीर में हमने होटल्स का बुकिंग है कुछ भी नहीं किया है, हम 8 डेज कश्मीर ही एक्सप्लोर करेंगे, कहीं भी होटल्स बुकिंग नहीं किया है, सिर्फ गाड़ी का बुकिंग किया है। गाड़ी कल सुबह आएगा पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पे, सो हम स्ट्रेट कल सुबह गुलमर्ग ही जाएंगे। बस यही फिर रहा हूँ मैं, किसी के पास गम होगा क्या बूट चिपकाने के लिए? 2-3 लोगों से तो पूछ लिए, किसी के पास गम नहीं है। दिल्ली में T1 में उतरेंगे फिर T2 जाएंगे, T2 बाहर से जाना पड़ेगा, वो थोड़ा दूर वक्त को फ्लाइट कैंसिल होके दोबारा रीशेड्यूल हुआ था और वो चेंज हो गया। अभी क्या करेंगे पता नहीं, रात को 11 बजे हम पहुंचेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे, उधर से बस लेंगे या तो फिर मेट्रो लेंगे और T1 एयरपोर्ट पे जाएंगे। ये देखिए एयरपोर्ट, देखिए ना कोई भी नहीं इधर। और एक 45 मिनट्स है बोर्डिंग के लिए। ये देखिए मैं फैमिली में बैठा है, लड़का बैठा है और मेरी डॉटर है, वाइफ बेटी है। और देखिए वाइफ के पास तो इधर तो गर्मी पड़ रहा है चेन्नई में और उन्होंने अभी भी जर्किन उठा के लेके आ गए इधर। श्रीनगर पे अराउंड अभी का टेम्परेचर है 1 डिग्री है और गुलमर्ग पहलगाम में सब अराउंड 1-2 डिग्री सी है, इतना ठंडा भी नहीं है।
अभी उधर जाके पता चलेगा स्नोफॉल है क्या नहीं है. अगर स्नोफॉल हुआ तो दिस विल बी माई फर्स्ट स्नोफॉल पूरा टूर में, लाइक नॉट ओनली इन कश्मीर. पूरा 5 साल का टूर किया हमने, कहीं भी स्नोफॉल नहीं देखा. इस बार हो गया तो विल बी द लकी. अगर नहीं हुआ तो फिर इंडिया तो ख़त्म होने वाला है, कश्मीर हमारा लास्ट होगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा. 8:40 अभी बोर्डिंग चालू होने वाला है, बुला रहे हैं. अभी इधर थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो अभी क्या करेंगे पता नहीं है. श्रीनगर पे जाके हम स्ट्रेट गुलमर्ग जाएंगे, फेस 3 का डिटेल्स वीडियो में आपको देखने मिलेगा. ओके, अभी टाइम हो गया है, अभी मैं रखता हूँ. हो सके तो दिल्ली पे जाके लाइव कर सकता हूँ तो करूँगा. ओके, बाय बाय.